जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। आज के इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे एचआरपी यानी कि रिपल कॉइन के ऊपर। ना उम्मीद हो चुके थे वो तमाम लोग जिन्होंने एक्सआरपी यानी कि रिपल को होल्ड किया था, ठीक है ना। एकदम से इसने बहुत बड़ा झटका मारा, लगभग 60 सेंट यानी कि 0.60 सेंट से लेके 1.25 डॉलर के बिटवीन ट्रेड होता हुआ एक दिन में नजर आया। इसका सिंपल मतलब ये है कि लगभग 90% जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा रहता है कि भैया कि अब रैली कितनी बाकी है, ठीक है। सवाल यहाँ पर अब ये इस वक्त प्रेजेंट टाइम में ये नहीं बनता कि भैया प्राइस जो है वो इतना एप्रिशिएट क्यों किया, टॉप गेनर में क्यों आया, क्यों इतना जो है वो फटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको सबको पता है कि भैया बुलरन सर पे है, सारी चीजें इस तरीके से। ये पोस्ट हाविंग के बाद जो हम बुलरन देखते हैं विच इज, ठीक है, अब यही जो है वो पोस्ट हाविंग है, उसके बाद हम जो है वो प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। यहाँ पर कतई ये नहीं भूलना कि भैया इस मुगालते में नहीं रहना, इस गलत फेमी में नहीं रहना कि आगे मजीद ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाएगा। 50% मिल गया, पोर्टफोलियो बाहर निकाल दो, ठीक है। 50% मिल गया, 60% मिल गया, 80% मिल गया, बाहर आते रहो। बिल्कुल कंप्लीटली होल्ड करके नहीं रखना। याद रखिएगा कि मार्केट जो है वो टाइम टू टाइम करेक्शन भी लेती है, करेक्शन का स्टेज भी मार्केट के अंदर है और ये भी होता है, ठीक है ना। ये फर्ज है कि आप सबको पता है कि करेक्शन के अंदर अगर आपने अपने स्टिल होल्ड किया तो याद रखिएगा कि वो बना बनाया जो प्रॉफिट है ना वो भी निकल जाएगा। प्रॉफिट कब आपके हाथ में होगा, याद रखिएगा कि जब तक प्रॉफिट आपने अपने अकाउंट में निकाल कर कैश निकाल के अपनी पॉकेट के अंदर जेब में नहीं डाल दिया तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि भैया याद रखिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब भी ट्रेडिंग का वॉल्यूम जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ही प्राइस जो है उसकी एप्रिशिएट करती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 0.60 यानी कि हाफ डॉलर के बिटवीन चल रहा था तब इसकी मार्केट जो कैप चल रही थी वो 3 बिलियन की चल रही थी, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट यानी कि सवा डॉलर 1.25 डॉलर के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो मेक श्योर कीजिएगा लगभग 22 मिलियन है वो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, विच मींस कि भैया मार्केट के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो एप्रिसिएशन हो रही है। डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम बात कर रहा हूं मैं, डे का, एक दिन का, तो याद रखिएगा प्राइस एप्रिशिएट होनी थी, ठीक है। अब मजीद करेक्शन की तरफ आइए। अब सैमसंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि भैया इसकी बहुत बड़ी नई नई प्रिडिक्शन भी सामने आ गई। अब सवाल ये है कि भैया कौन सी नई प्रिडिक्शन मार्केट जो है वो सामने आ गई जिसकी वजह से प्राइस जो है वो पंप किया, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर या बाइनेंस के ऊपर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ये मिल जा रहा है, ठीक है ना। 1.11 सेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका जो है वो लगभग टोटल सप्लाई की मैं बात कर लूं तो भैया एक अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसकी यूज केस की बात करते हैं, इसकी यूटिलिटी की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा उसके कंपैरिजन के अंदर इसकी यूटिलिटी, इसके टोटल नंबर ऑफ सप्लाई जो है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि 100 बिलियन जो है वो इसकी टोटल नंबर ऑफ सप्लाई है, ठीक है ना। यूटिलिटी क्या है वो आप सबको पता ही है कि भैया ये इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो ट्रांजेक्शन के काम आता है, जिससे कि हमने पेपाल वगैरह देखा और दीगर प्रैक्टिसेस हम करते हैं, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स हो गए या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बड़ी एग्जांपल तो भैया ये बताते नहीं है, क्यों नहीं बता रहे हैं, हमको पता है कि भैया अगर हमने अभी से बता दिया तो तमाम के तमाम पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है मार्केट के अंदर इन हो जाएगी, क्रिप्टो के अंदर इन हो जाएगी, इनकी जो स्ट्रेटजीज है वो काम नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ इसका सबसे बड़ा और मेजर रीजन क्या है, ठीक है, फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने अपना नाम जो है वो मेटा के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब मेटा क्या है, पूरा का पूरा मेटावर्स है जो कि ब्लॉकचेन के बगैर तो चल ही नहीं चल सकता। तो बात यही है ना कि अगर आप और मैं, हम सब इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो हमको ये चीज समझ में आती है, मेक सेंस कर रही है क्या कि भैया मेटा, विच मींस के फेसबुक ऑलरेडी अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है, ट्रांसफॉर्म कर चुका है, शिफ्ट कर चुका है, कहां पर कर चुका है, ब्लॉकचेन के अंदर। अब नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई, अनाउंसमेंट ये नहीं करते, कोई भी नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं करेंगे कि जब तक मार्केट के अंदर आप उनको पता ना चले कि भैया अब सही टाइम है, ठीक है। अभी वो सिर्फ मुझे भी वो कहानी कि भैया वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी चलते रहो, करते रहो, लेकिन बताओ नहीं, ठीक है। यूजिबिलिटी, यूज केस, यूटिलिटी देते रहो, सर्विसेज अच्छी से अच्छी देते रहो, बट बताओ नहीं।
बात रिवील करने का टाइम अभी नहीं है, जब आएगा तब मार्केट जो है वो याद रखेगा आज यहाँ पर है ना 3 trillion की ऑलरेडी मार्केट हो चुकी है, जब वो 10 trillion से ऊपर चली जाएगी ना मार्केट थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, तब ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम डे बाय डे जो है वो रिलीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अभी सारी सारी इनसाइड न्यूज है, अब मार्केट के अंदर इन्हें तो हमको पता चल जाता है कि भैया ये कौन कौन से वो लोग हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रही है, कहने को तो हर एक कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें न्यूज जो है वो ब्रेक होती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अब आपने करना क्या है, अगर आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो याद रखिएगा कि शायद हो सकता है कि आप इस उम्मीद पे हो कि भैया ये अपना पुराना ऑल टाइम हाई यानी कि $3 को जो है वो हिट करे जो कि इसने मारा था 2018 के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पोलका डॉट भी इस तरीके से डेड हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन पोलका डॉट ने इस तरीके से परफॉर्म किया आपने और हमने देखा भी। ठीक है, बिना ऐसे वो परफॉर्म नहीं किया, $4.5 था, अब लगभग $5.5 के बिटवीन आ गया। ठीक है, इसके अंदर भी एकदम से मार्केट के अंदर हाई पाई। ठीक है ना, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बात कर लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बाइंग कब होगी सेलिंग कब होगी, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं तो एक दिन आपको पता होना चाहिए भैया इसका यूज केस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तब भी आपको इसके अंदर टारगेट आपको मिल जाएंगे आपके। ठीक है ना, एक पॉजिटिव थॉट मिलेगा आपको, एक कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मसला यहाँ पर ये है कि भैया मार्केट पूरी की पूरी ऊपर चल रही है, लेकिन उन्होंने यानी कि आपने दो कुछ स्पेसिफिक वो लोग जिन्होंने वो प्रोजेक्ट होल्ड किया है वो प्रोजेक्ट नहीं बढ़ रहा, लेकिन हर एक बढ़ रहा है, लेकिन इतना बढ़ रहा है कि भैया वो आप अभी तक जो है वो प्रॉफिट के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब सवाल ये कि भैया आपको पता होना चाहिए इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इतना सा काम करना है कि भैया आपने मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर, बता देने का भैया मैंने ये होल्डिंग की हुई है, ये मेरा पोर्टफोलियो है और इसके अंदर ये कॉइन्स हैं जो कि पंप नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे कितने करेंगे और कितना ऑल टाइम आएंगे कितनी बाएंगे, ये तमाम की तमाम मैं आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपल सा काम ये करना है कि भैया आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम के ऊपर आप डायरेक्टली मुझ पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फ्लैश बिजली को लेकर बहुत सारे जो कि क्वेरीज आ रही है इसके ऊपर भी हम जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दो रोज के अंदर या 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ये चीजें जो है वो कैरेज है वो सोल्ड आउट हो जाएगी, दोबारा से हम वीडियो जो है वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, सैमसंग की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग उन्होंने जो प्राइस प्रेडिक्ट की थी वो की थी $500 something की। ठीक है, 578 के करीब करीब आपको दरी की दरी दे गई। ठीक है ना, अब इस किस्म की कोई अपडेट मार्केट के अंदर नहीं आ रही कि भैया अरे सैमसंग ने क्या प्राइस प्रेडिक्शन की है, सैमसंग की प्राइस जो है वो कब जो है वो पूरी होती है, ये अभी आप और मैं सब देख रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि भैया मेरे पास भी ऑलरेडी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ठीक है, और मैंने अभी तक इसलिए होल्ड किया हुआ है, अगर ये $5, $10, $50 जब तक जहां जाता है जाने दूंगा मैं इसे सेल ऑफ नहीं करता। ठीक है ना, बिकॉज ये मेरे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, अभी याद रखिएगा कि यूं समझिएगा कि रुपए में चारा ने निकाल के जो है वो हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है ना, ये कम से कम XRP जो है वो याद रखिएगा मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए 2 से 3 हाविंग का प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट $100 को हिट करता हुआ जब तक नजर नहीं आएगा तब तक मैं इसे सेल ऑफ नहीं करूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया $100 कभी नहीं जाएगा तो ये आपकी सोच है, आपकी भूल है, ये जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि मार्केट जो है वो इस वक्त इनिशियल स्टेज पे इमैच्योर है, अब जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होना शुरू होगी याद रखिएगा ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो आपको अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड देंगे, उस वक्त आप रिग्रेट करेंगे, अफसोस करेंगे कि भैया यार ये मैंने क्या किया, ये वो प्रोजेक्ट था जो कि मैंने $1 के अंदर लिया, $3, $4, $10 के अंदर निकाल लिया और इस वक्त जो है वो $250 के ऊपर खड़ा है। कैसे भैया, उस वक्त आपसे कैलकुलेट कर रहे हो यार मेरा इतना प्रॉफिट बन सकता था लेकिन मैंने बनाया नहीं, मैंने एग्जिट कर लिया, मैंने कैश आउट कर लिया। थोड़ा सा इंडस्ट्री को जो है वो मार्केट को लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से देखो और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करना है, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलो। ठीक है ना, और ये तो वैसे ही अगर मैंने लिया था तो रखा हुआ, अब जब मेरा मूड होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी देखना ये कि भैया सैमसंग की प्राइस जो है वो किस तरीके से इसको बूम करती है, सैमसंग की जो वो न्यूज है वो कब तक इसे जो है वो इसके ऊपर हकीकत साबित होती है, लेट्स सी, आप और मैं हम तमाम लोग जो है वो भैया इसके ऊपर देखेंगे। मेक श्योर कीजिएगा किसी भी किस्म की आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो डू योर ऑन रिसर्च, आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करनी है, फिर मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपका जो आपका जो पोर्टफोलियो का जो प्रोजेक्ट है मेक श्योर कीजिएगा उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इससे पहले
पोलका डॉट वाली जो वीडियो है वो अपडेट है, आपका जो विजन है, आपकी जो लॉन्ग टर्म है शुरुआत से लेके एंड तक, ठीक है। अगर आपने मिस आउट कर दिया है तब भी, अगर आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तब भी, अगर आप ये सोच के बैठे कि ये पुराना ऑल टाइम हाई देखेगा तब भी आपको देखनी चाहिए, और अगर आप ये सोचे भैया ये $100 की जो प्राइस देखी जा रही है क्या वाकई में एक्चुअली में क्या ये प्राइस अप्रिशिएट करेगा, यानी कि $100 की प्राइस डिजर्व करता है कि नहीं करता, 3,000 रुपए से 30,000 रुपए में चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, वर्थ है कि नहीं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसकी वर्थ क्या है, इसकी हैसियत है कि नहीं, इसकी औकात है कि नहीं, ये आपको मिलेगी भैया कहां पर, यहां पे एंड स्क्रीन के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, एक से दो वीडियोस आपको पोलका डॉट के देखेंगे, कंप्लीट आपको माइंडसेट मिल जाएगा, आपकी थॉट मिल जाएगी, आपको डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। जितना पैसा होता है उतना कॉन्फिडेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब मार्केट बूम है, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहना कि भैया मेरा पोर्टफोलियो जो है मैंने ये वो प्रोजेक्ट किया था और इस वक्त जो है वो अब तक बड़ा नहीं है, या फिर बड़ा है तो भैया मैं अभी तक प्रॉफिट में नहीं हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कोई इशू है तो मेक श्योर कीजिएगा कमेंट के अंदर बताइएगा, इंस्टाग्राम के अंदर भी बता सकते हैं कनेक्ट करके, और व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लेंगे। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, अब तक के लिए मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।